नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों में पुलिस के बीच हुई धक्कामुक्की। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। रायसिंहगढ़ क्षेत्र में ठंड व कोहरे से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने, मनरेगा में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने सहित कई मांगों को लेकर माकपा नेता शौपत मेघवाल व अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष कालू थोरी के नेतृत्व में किसानों व नरेगा की महिला श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने जबरन मिनी सचिवालय में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्कामुक्की भी हुई। कामरेड शौपत मेघवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही आईएएस गुंजन सीए मौके पर पहुंची। वे किसान नेताओं से इलाके में बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी कराने व स्वयं मौके पर जाने का आश्वासन दिया। मनरेगा महिला श्रमिकों से भी वार्ता की। गुंजन सिंह ने कहा कि इलाके में बर्बाद हुई फसलों का आंकलन करवाया जाएगा, जिस भी किसान का नुकसान हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिलाया जाएगा। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, महेश बिश्नोई, रायसिंहगढ़। ये रायसिंह नगर तहसील में हम लोग जो पाला से फसल खराबा हुआ है उसके लिए हम लोग एक विस्तृत सर्वे कर रहे हैं, जो अपनी विशेष गिरदावरी चल रही है। तो हम लोग इसमें हमारा पूरा फोकस है कि जितने भी ऐसी रकबे हैं, जितने चक हैं जहां पर फसल खराब हमें या तो सूचना मिल रही है या फिर हम जो गिरदावरी में भी हमें पूरी तरीके से हमारा फोकस है कि पटवारी साहब मौके पर उपस्थित रहें, सभी काश्तकारों जो भी काश्तकार हैं वो वहां पर रहें और कृषि पर्यवेक्षक के साथ ये प्रत्येक चक में जितने भी रकबे हैं उन सब का फसल का वो मुआवजा करें, वहां पर फसल का सर्वे करें और अगर वो 33% के आसपास अगर या उससे ज्यादा का खराबा आ रहा है तो फिर उसके लिए 7D का जो प्रपत्र है वो भरें। तो इसमें हमें जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमें 7 दिन का समय दिया गया है और हम सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी भी, मैं तहसीलदार साहब और ये AD एग्रीकल्चर, हम लोग भी एक्टिव हैं। हम लोग भी लगातार मौके पे जाकर के इसका निरीक्षण कर रहे हैं, फसल खराबे को देख रहे हैं और इसमें कोशिश अपनी पूरी है कि इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं हो और सभी काश्तकारों को जिनका कोई भी फसल खराबा हुआ है उनको उसका उचित मुआवजा दिलवा सके। हमारे क्षेत्र में बाढ़ व शीतलहर से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके मुआवजे व बीमा क्लेम की बात को लेकर आज अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा रायसिंहनगर SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि जिस तरीके के सर्वे हो रहे हैं, रिपोर्टें सामने आ रही हैं, उससे किसान को पूरा लाभ नहीं होगा क्योंकि पाले से जो नुकसान है वो लगभग 70-80-90% तक सरसों की फसल को हुआ है। एक तो प्रमुख हमारी मुआवजे की मांग है, दूसरा हमने जो मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार के नियम यहाँ के अधिकारियों ने बनाए हैं, खाली वक्त के अंदर मजदूर को काम नहीं मिल रहा, जिनको काम मिला है समय के ऊपर वेतन नहीं मिल रहा और जो ऑनलाइन है ऐप सिस्टम है उससे भी मजदूरों की 4-5 दिन की पखवाड़े के अंदर हाजिरियां है वो नहीं लग रही है, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हमने इन सवालों को लेकर SDM कार्यालय पे प्रदर्शन किया है, प्रशासन से वार्ता की है कि तुरंत प्रभाव से इन समस्याओं का समाधान करें, किसान की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके मुआवजा दें, मनरेगा की समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा आने वाली 13 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी SDM कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और इस संघर्ष को हम और तेज करेंगे।